to all of you. Pyare bachcho, today we are the last step of the year 2018. Today it's 31st of December. And definitely we are going after few hours in the new year. कुछ घंटों के बाद हम नव वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे तो नव वर्ष से पूर्व दिवस है तो आज की व्याख्यान माला का जो विषय है वो है नव वर्ष यद्यपि नव वर्ष को हम कल मनाएंगे लेकिन नव वर्ष की जानकारी आज ही ले लेते हैं ताकि कल उसको मनाने से पहले हमें उसकी समग्र जानकारी रहे तो मैं अविनाश कुमार आप सबका इस व्याख्यान माला की कड़ी में स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ और प्रयास करता हूँ कि आपको नव वर्ष के महत्व के बारे में कुछ बातें बताऊं सबसे पहले सवाल ये खड़ा होता है कि नव वर्ष मनाया क्यों जाता है या नव वर्ष कब से मनाया जा रहा है इसका साधारण सा उत्तर है जब से सूर्य और चंद्रमा गतिमान है सृष्टि में संसार में तब से ही शायद नव वर्ष चल रहा है जितनी आयु इस सृष्टि की है तो लगभग उतनी ही आयु हमारे वर्षों की है और जितनी आयु हमारे वर्षों की है उसी क्रम में हर बार नया वर्ष आता होगा और हर बार को मनाया जाता रहा होगा मेरे अध्ययन के अनुसार नव वर्ष तकरीबन 4000 वर्षों से मनाया जा रहा है सबसे पहले नव वर्ष मेसोपोटामिया में एक सभ्यता थी उसके अंदर उल्लेख है कि वहां मनाया गया 4000 वर्ष पूर्व मेसोपोटामिया कहां है मेसोपोटामिया एक स्थान है इराक में पड़ता है जिस देश को आज आप इराक समझते हैं 4 साल पहले तो वो इराक नहीं होगा कुछ और नाम होगा लेकिन अभी अगर वर्तमान में उसकी स्थिति जाननी है तो मेसोपोटामिया इराक में है और इराक अरब देशों का एक हिस्सा है तो वहां लगभग सबसे पहले नव वर्ष मनाया गया अब जाहिर से बात है जब नव वर्ष वहां मनाया गया तो कैलेंडर में वही मनाया गया तो अगर आपसे यह सवाल किया जाए कि सबसे पहला कैलेंडर कहां बना वो भी ईरान में बना मेसोपोटामिया में बना तो सामान्य यह है कि सबसे पहला नव वर्ष और सबसे पहला कैलेंडर मेसोपोटामिया और ईरान में मना वहां कैसे पहचान होगी कि किस दिन नव वर्ष होगा मान लीजिए आज आपके पास जो संख्या आकलन है वो यह है कि 1 जनवरी को आपको नव वर्ष मनाना है क्योंकि गैरोग्रेरियन कैलेंडर के मुताबिक वर्ष की शुरुआत जनवरी से होती है और जनवरी में पहला प्रथम दिन 1 जनवरी होता है तो हमें वो प्रथम दिन को ही मनाना होता है लेकिन मान लीजिए अगर मैं कहूं कि पहला महीना अप्रैल है वित्तीय वर्ष के मुताबिक तो पहला महीना अप्रैल होता है अप्रैल में पहली तारीख 1 अप्रैल जिसको हम कहते हैं वो भी नव वर्ष हो सकता है तो ये कैसे तय किया जाए कि नव वर्ष किस दिवस पर मनाया जाए तो वहां वसंत ऋतु सबसे महत्वपूर्ण ऋतु होती है वर्ष की वसंत उत्सव के प्रथम दिन को इराक में उस समय नव वर्ष के रूप में मनाया जाता था और अब तो उसको वसंत ऋतु कहते हैं जैसे मैंने 4 साल पहले उसका नाम वसंत ऋतु नहीं था वसंत ऋतु तो अब हमने उसको ट्रांसलेट करके संशोधित करके समझ लिया है उसका नाम उसको होता था अकीटू अकीटू शब्दावली मेरे घर में साथ में आई है कि अकीटू के त्योहार को मनाने के रूप में नव वर्ष को मनाते थे और इस तरह से नव वर्ष का चलन संसार में सभ्यता में दर दर होता है उसके बाद यात्रा आगे बढ़ती है इस अकीटू के त्योहार को मेसोपोटामिया के साथ साथ इराक के साथ साथ रोम में भी मनाया जाने लगा कोई 1000 साल बाद 500 साल बाद और रोम के एक लगभग आपने पढ़ा होगा जूलियस सीजर का एक नाटक है विलियम शेक्सपियर का नाटक है जूलियस सीजर अभी आपके कोर्स में मर्चेंट ऑफ वेनिस है लेकिन मेरे टाइम में जूलियस सीजर हुआ करता था
अभी ये पिछले 5-7 वर्षों से होगा मर्चेंट और बैरिस्टर, पहले कई वर्षों से जूनियर सिटीजन चलता था कक्षा 12 में। और चूंकि मैं अंग्रेजी का विद्यार्थी हूँ तो मैं तो शेक्सपियर के लगभग सभी 37 नाटक पढ़ चुका हूँ। उसने 37 नाटक लिखे हैं, 156 शोज लिखे हैं और 2 कविता लिखी है, वीनस एंड एडोनिस, वीनस और एडोनिस। तो उनमें से एक नाटक आता है जूलियस सीजर। जूलियस सीजर को हमें ये 43 ईसा पूर्व बर्थ ऑफ क्रिस्ट बोलते हैं, ईसा पूर्व वहां सम्राट होता था जूलियस सीजर, उसके नाम पर ये नाटक शेक्सपियर ने बाद में लिखा कोई 1560 के आसपास, 1564 में पैदा हुआ था वो, 1590 के आसपास उसने लिखा है। तो उसने जूलियस सीजर ने इस कैलेंडर को संशोधित किया, रिस्ट्रक्चर किया। पहले कैलेंडर में 10 माह होते थे, जूलियस सीजर ने उसमें 12 महीने कर दिए। वो कैसे कर दिए 12 महीने? रोम का एक भगवान है जेनुस, JANUS, जेनुस बोलते हैं। उस जेनुस के भगवान के महत्व को बताने के लिए पहले जैसे बात है, अब जैसे 30 दिन का महीना होता है उस समय, उस वक्त 40 दिन का महीना होता होगा, उस हिसाब से 10 महीनों में बांट दिया था। उसने कुछ दिन घटा दिए और 2 महीने और निकाल लिए और पहला महीना जेनुस भगवान, जेनुस जो 2 लोगों के भगवान है रोम में, उनके नाम पर पहला महीना रख दिया जनवरी, जेनुस के नाम से। आजकल स्वीट सी टर्म भी है जानू, वो जो शब्द प्रेम स्नेह श्रद्धा से किसी के लिए कहते हैं मेरे जानू, वो शायद उस भगवान का ही नाम है, बाद में बिगाड़ करके जानू किया गया है। और जेनुस वो है, जनवरी उसी से खड़ा है, फरवरी फिर उसी में से ही निकाल करके उस भगवान के पुत्र का नाम फेब था, वो फेब्रुअरी बना गया है। तो ये जूलियस सीजर ने 43 ईसा पूर्व इस कैलेंडर को रिस्ट्रक्चर करके 12 महीने का कैलेंडर बनाया गया है। थोड़ी यात्रा और आगे बढ़ी, 1582 इंग्लैंड में राजा हुए गॉर्गोनियन 13, इन्होंने इसको दोबारा रिस्ट्रक्चर किया, संशोधित किया और इन्होंने अपना कैलेंडर बनाया। उसमें केवल उन्होंने वही 12 महीने रखे, वही 365 दिन रखे, लेकिन एक लीप ईयर वाला कांसेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपनी क्रिश्चियनिटी के अध्ययन के आधार पर। वो लीप ईयर 4 साल में जो एक एक दिन बढ़ता है, जो 66 दिन होते हैं, इस तरह से ये यात्रा चली। और आज जो 31 दिसंबर है, ये 25 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर ईसाइयों का एक सप्ताह है पूरा क्रिसमस का, जैसे हमारे यहाँ दीपावली का एक हफ्ते का लगभग कार्यक्रम होता है, कई जगह अलग अलग धर्मों में अलग अलग त्योहार और वसंत के चीजें चलती हैं। तो इस तरह से ईसाइयत में ये आज 25 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर का समय है, इसको वहां एक त्योहारी फेस्टिवल भी के रूप में मनाते हैं। तो वो इस प्रकार से नववर्ष की शुरुआत करते हैं और चूंकि ये ईसाइयों का कांसेप्ट है, क्रिश्चियन कांसेप्ट है, उसके मुताबिक हमारा नववर्ष कल है जिसको आप मनाएंगे। शायद मेरी जानकारी आपको इस नववर्ष के बारे में काफी है, लेकिन नववर्ष को लेकर के बड़ा विवाद भी है। वो विवाद ये है, तेरी सभ्यता बड़ी है या मेरी सभ्यता बड़ी है। कई बार हम दूसरी सभ्यता को निम्न आते हैं, अपनी सभ्यता को उच्च आते हैं, ये भी गलती हम करते हैं। उन गलतियों को दोहराते हुए बड़ा सभी सभ्यताएं बड़ी हैं, सभी का सम्मान होना चाहिए, सभी भाषाओं का मान होना चाहिए, हर एक व्यक्ति का मान होना चाहिए। तो उस दृष्टि से मैं मानता हूँ कि हमें 1 जनवरी भी बनाना है। इसके बाद भारत में भी कई तरह के इसमें चर्चाएं हैं, जैसे पंजाब में बैसाखी को नववर्ष मानते हैं, 14 अप्रैल से आज की तारीख है। पंजाब के अलावा तमिल में, बंगाल में अप्रैल और मार्च में नया वर्ष बनता है। हिंदुओं के मुताबिक चैत्र जो नवरात्रि होते हैं उसका प्रथम दिवस नववर्ष मनाया जाता है। मुस्लिमों में मोहर्रम का जो प्रथम दिवस है उसको नववर्ष कहते हैं। तो नववर्ष की अपनी कोई परिभाषा नहीं है, ये हमारी सभ्यता संस्कृति और धर्म के आधार पर निर्भर करता है कि कब कौन नववर्ष मनाना चाहता है। व्यापारी दीपावली को नववर्ष मानते हैं कि जब दीपावली आती है वो नववर्ष है, वित्तीय वर्ष कहता है कि 1 अप्रैल को नववर्ष है। तो खैर सभी नववर्षों को मिला ले तो आपको एक वर्ष में कम से कम 10 बार नववर्ष मनाने का मौका ये देश, ये सभ्यता, संस्कृति देती है। आप इस वर्ष का प्रथम नववर्ष मनाइए, उसकी एडवांस में आप सबको
शुभकामनाएं और आशा करता हूं इस ज्ञान का अपने साथ आप जीवन भर